मल्टी लिगामेंटस, अगर नी की सर्जरी हुई हो, जी मतलब ये LCL या MCL दोनों रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, और जिन सर्जन ने आपका रिकन्स्ट्रक्शन किया वो काफ़ी अच्छे सर्जन है, एक्सपीरियंस सर्जन है, कोई डाउट नहीं है मेरे को उनकी कैपेबिलिटी में, तो अच्छे ही सर्जरी की डेफिनेटली। सो ये तो कमज़ोर है अभी लिगामेंट अच्छा फॉर 6 मंथ्स। अगर कोई सर्जन इसको टेस्ट करेगा तो स्ट्रेस देकर टेस्ट करेगा, सो इट इज़ गोइंग टू डैमेज दिस लिगामेंट जो मजबूत होने वाला है। सो वो मैं तो करूँगा नहीं, वो मैं 6 महीने बाद ही करूँगा। अच्छा है ना, दूसरा आपका जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ होगा, नहीं तो अगर रिकन्स्ट्रक्शन अच्छा नहीं हुआ होता तो रिकन्स्ट्रक्शन दोबारा किया होता बोन का रिकन्स्ट्रक्शन, पर जब बोन का रिकन्स्ट्रक्शन किया अगली सर्जरी आपकी लिगामेंट ही की, तो हो सकता है कोई लिगामेंट टूटा हुआ जिसका उन्होंने थर्ड सर्जरी प्लान कर रखी हो। सर वो कहते हैं कि बोन में थोड़ी सी होल है तो उसको वो गैप आया हुआ है इसलिए हमको थोड़ी सर्जरी प्लान हाँ, करनी है। तो वो मेरे को एक्सरे देखना पड़ेगा उसमें ओपिनियन देने के लिए, पर जो चीज़ आपकी मिसिंग है ना वो एविडेंट है, एक चीज़ कि आपका रिहैब अच्छा नहीं चल रहा, रिहैब अच्छा नहीं चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि रिहैब सेंटर है ही नहीं। राइट अगर आपने मुझे किसी अच्छे रिहैब सेंटर का नाम लिया होता, ऐसे आपने अच्छे सर्जन का नाम लिया, सो आई एम कॉन्फिडेंट सर्जरी अच्छी हुई। अब मैं शिमला में रिहैब चला, शिमला में कब मल्टी लिगामेंट टेस्ट के अच्छे रिहैब सेंटर आने लगे? नहीं है नहीं है। सो हमारी ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई है। आप क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि मल्टीपल सर्जरीज के कारण आपकी मसल्स वीक हो गई, नी में होल भी है जहाँ भी है, वो बिना एक्सरे देखे वो तो मेरे नहीं को पता चल हाँ पता पाएगा। नहीं चल पाएगा, पर मसल्स तो कमज़ोर हो गई ना, चलने के लिए तो मसल्स चाहिए। सो वॉट वी कैन हेल्प यू विद इज़ गुड रिहेबिलिटेशन, बिकॉज हम तो यही ऑपरेट करते हैं दिन रात। सो हमारी जो पूरी रिहैब टीम है वो सिर्फ इन्हीं का रिहैब कराती है। आप इस लिगामेंट की ऑपरेशन पर स्पोर्ट्स भी भेज देते हैं हम लोगों को बैक टू स्पोर्ट्स। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स जैसे सिक्स वॉकिंग मंथ्स प्रॉपर वॉकिंग कैसे हो जाती है? देखो मैं ये सर्जरी नहीं करता, मैं तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी करता हूँ, तो मैं तो ब्रेस व्रेस देता ही नहीं। मैं तो जो आपको जो सर्जरी का जो बाहर ब्रेस दिया ना, मैं तो अंदर ही बनाया था हूँ। और मैं MCL LCL रिकन्स्ट्रक्शन भी नहीं प्रेफर करता, मैं तो रिपेयर प्रेफर करता हूँ। अच्छा सो मैं तो MCL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस, LCL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस करता हूँ मैक्सिमम लोगों के। सो उसमें बाहर ब्रेस नहीं आता, पहले दिन से पेशेंट चलता है, पहले दिन से चलता हाँ, है। विदाउट ब्रेस, विदाउट वॉकर, विदाउट एनी सपोर्ट, पहले दिन से नी बैंड आता है। सो रिहेबिलिटेशन बिकम्स वेरी फास्ट, 1-1.5 महीने में हम लोग जॉगिंग करा देते हैं। अच्छा तो वो कुछ सर्जन्स करते हैं कुछ नहीं करते हैं। सो आपका जो रिहैब बाकी है वो नॉर्मल सर्जरी की तरह चलेगा। सो वी होप कि अगर आप रिहैब लेना चालू करोगे तो 1 महीने में आपकी ये छड़ी सुखा देंगे, अच्छा और अगर बोन आपकी ठीक हुई और कोई और लिगामेंट में कोई और इंजरी नहीं हुई, सारे ऑपरेशन हो चुके होंगे, सो आपको 3 महीने में रनिंग करा देंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद आप 5 महीने तक पहुँच जाओगे ना, तो हम रनिंग इनिशिएट कर सकते हैं थोड़ा, रनिंग प्रोग्राम आफ्टर दिस, आफ्टर दिस सर्जरी 6 मंथ्स में हम रनिंग प्रोग्राम इनिशिएट कर सकते हैं, तो हम उसी को मान के चलेंगे। तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है रिहेबिलिटेशन, वो हमारा जो सेंटर है वो एक्सपर्ट है। आप जब शिमला चले जाओगे हम आपको फ़ोन पे सिखाएंगे रिहेब, हम आपके डॉक्टर साहब से भी बात कर लेंगे क्योंकि हम उनको जानते हैं, उनको उनके पेशेंट यहीं आते हैं रिहेब के लिए। सर यही मैं कोई इशू तुम क्या मेजर क्या आ रहा है जैसे अभी सेकंड हुआ है ना? उनके बहुत सारे पेशेंट हमारे पास रिहेब के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास भी नहीं है रिहेब सेंटर अच्छा, क्योंकि वो तो फोर्टिस में काम करते हैं, फोर्टीज में तो वो तो हॉस्पिटल रिहैब सेंटर तो है नहीं उनका। सो वहाँ के भी हमारी फिजियोथेरेपिस्ट उनके पास जाके ओपीडी लेती है रिहैबिलिटेशन के लिए, वहाँ के भी हमारे पास आते हैं रिहैब के लिए, क्योंकि हमने अपना रिहैब सेंटर डेवलप कर लिया। उनकी खुद की फिजियो टीम नहीं है, हॉस्पिटल की फिजियो टीम है, हॉस्पिटल की फिजियो टीम सबको देखती है, दे कांट बी एक्सपर्ट इन वन थिंग, माई वी हैव आर ओन फिजियो टीम। सो हम उनसे कोऑर्डिनेट करके आपका रिहैब कंटिन्यू कर सकते हैं, जो मिसिंग है बस ठीक हो जाओगे आप, बाकी सर्जरी वगैरह वहीं कराते रहो, आप अच्छे डॉक्टर हैं। पर उसमें सेकंड चीज़ क्या हो रही है कि आपका सेकंड ऑपरेशन मेरी इंस्टेबिलिटी है फिर से नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, विदाउट एनी MRI एक्सरे कुछ तो हुआ नहीं, हाउ कैन आई, और मैं आपको एग्जामिन करूंगा नहीं क्योंकि मैं ख़राब नहीं करना था आपकी सर्जरी। अभी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, अभी रिसेंटली तो सर्जरी हुई है, इनस्टेबिलिटी आपको फील होती रही क्योंकि आपका रिहैब नहीं हो रखा, रिहैब नहीं है तभी तो इनस्टेबिलिटी रहेगी, मसल तो मसल मेमोरी तो यहीं ज़ीरो है ना आपकी। सो जो चीज़ कंप्लीट है ही नहीं वो तो ठीक हो गए ही नहीं आप, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद रिहैब तो चाहिए, इतने सारे ट्रीटमेंट हो गया रिहैब ज़ीरो है अभी तक, बेसिक रिहैब है रखा आपका, एडवांस रिहैब तो हो ही नहीं रखा। तो वो जैसे ही हम कराएंगे वैसे ही आप ठीक होने लगोगे, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए 3 महीने में। हर किसी पेशेंट को रिहैब तो चाहिए ना सर, रिहैब कहाँ है आपके पास? अभी हम चालू करा देंगे, वी आर नॉट लेट। तो इसके अंदर क्या प्रोसीजर क्या है आपका? रिहैब में आपको एनरोल कर लेते हैं, आप आ सकते हो यहाँ पे, महीने में एक बार आ जाओ, बाकी हम आपको हर वीक ऑनलाइन सिखाएंगे।
आप घर पे करते रहो अपने, ठीक है। वहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो एक्सपर्ट नहीं है इसके रिहैब में। हमारे लोग तो सिर्फ दिन रात यही करते रहते हैं, सो दे नो कौन सी एक्सरसाइज करानी है, कैसे करानी है, कैसे प्रोग्रेस करना है, क्या क्या इंजरीज हुई, दे अंडरस्टैंड द इंजरी, दे अंडरस्टैंड द सर्जन, दे अंडरस्टैंड द सर्जरी, उसके हिसाब से रिहैब बढ़ाते रहेंगे हम आपका। सो हमारा टारगेट ये रहेगा आपको जब आपके 6 महीने कम्प्लीट हो जाए वी शुड इनिशिएट रनिंग। या बेटर ये नहीं कि एक्स्ट्रा गेट एक्स्ट्रा दाना देनी मींस की दाल? नहीं वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए एक्सरे, अगर जो मैं जब आपको पहले मांगा था, और उसके बाद भी मैं सर्जरी नहीं करूँगा आपकी इतनी इमीडिएटली। अच्छा, जब तक हम थोड़ी मसल इंप्रूव ना कर लें, मैं पहले सर्जरी से रिकवर तो करो, दूसरी सर्जरी के लिए खड्डा है, खड्डा भरना है, कुछ कुछ भी करना हो, एक और सर्जरी करके और वीक कर दो आपको। तो लेट अस इम्प्रूव समथिंग, उसके बाद सर्जरी क्या करनी है जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो ले आना आप, या मुझे व्हाट्सएप कर देना, देख लूँगा मैं। एक्सरे तो चाहिए ही मुझे, ठीक है ना, और रिहैब हम आज आज से चालू कर लेते हैं।